हेलो दोस्तों, सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि गैस के चूल्हे के नीचे क्या रखना चाहिए और गैस के ऊपर क्या रखना चाहिए, तो ये बताओ आप हमको। तो आज इसी विषय में जानकारी दे रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी डिफरेंट टॉपिक भी सेलेक्ट करती हूँ जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मित्रों बनाए रखिए। मेरा आशीर्वाद तो आप पर है ही। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, गैस के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, या गैस के ऊपर क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये बहुत गंभीर विषय है। साधारणतः स्त्रियां इस और ध्यान नहीं देती हैं, और जब बरकत में कमी आती है तो उनको एहसास होता है कि क्या गलती हो गई। बरकत पाने के लिए रसोई की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और गैस के चूल्हे की भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दिन और या रात हमेशा अपने गैस के चूल्हे को चेक करें कि आपने उसको कितना साफ़ किया है। और ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये मेरा चिमटा गंदा है, ये आटे में सन्दा है। ये क्यों सन्दा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये चिमटा रात को धोने में नहीं डालना चाहिए, मतलब जूठन में नहीं डालना चाहिए, और ये संडासी या लाइटर भी नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा ये जो तवा देख रहे हैं ना, ये तवा है, ये छुपा के रखना चाहिए। ऐसे गैस के चूल्हे के नीचे छुपा के रख दो, लकड़ी का हैंडल दिखता है तो दिखता रहे। ये तवा छुपाना बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह से आप तवे को छुपा सकते हो गैस के चूल्हे के नीचे। गैस के चूल्हे के ऊपर हमेशा संडासी या पकड़ रखनी चाहिए, और चिमटा और लाइटर भी सुशोभित करके रखना चाहिए। जिस घर में ऐसे व्यवस्था की जाती है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती, उस घर में सफलता ही सफलता चरण चूमती है, और उस घर में पैसा ही पैसा बरसता है। चाहे कहीं से भी आए, पैसा आता जरूर है। तो ये चिमटे में आटा लगा है, और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे घर में अन्न धन का अभाव नहीं है। हमारे घर में अन्न धन का पूर्ति होती है, अन्नपूर्णा माता की कृपा हमारे घर में बरसती है। तो इसलिए आपको ये तीन चीज़ें इस पर गैस के चूल्हे पर रखनी चाहिए। तो गैस के चूल्हे के ऊपर जो भी चीज़ आप बनाते हैं, पहली चीज़ अग्नि देवता या पितृदेव को समर्पित करनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही मात्रा में रखें। आटे की गोली भी रखनी चाहिए, इस ये रखना शुभ होता है। और पहली रोटी गौ माता की अवश्य निकालनी चाहिए, अगर आप निकाल सको तो, वरना छोटी सी गोली जो आप निकालते हैं वो गौ माता की भी मानी जाती है, पितृदेव को भी समर्पित हो जाती है और अग्निदेव को भी समर्पित हो जाती है। आप तीन गोली भी रख सकते हैं, छोटी छोटी तीन गोली भी रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा, और आपको किसी पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपके घर में बहुत पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, और आपके काम सफल होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जानकारी से भरपूर था ना? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहती हूँ और आप उनको पसंद करते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे कार्यक्रम देखते रहें। मेरा नाम डॉक्टर उमाश्री है, मैं एक ज्योतिषी हूँ जो ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ। आप मुझसे कुंडली परामर्श भी ले सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी आपको मिल जाती है, इन केस मिस हो जाती है किसी में तो अन्य वीडियो को देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, उसके अंदर आपको ईमेल आईडी अवश्य ही मिल जाएगी। आप परामर्श ले सकते हैं मुझसे, और ये इसका मतलब मित्रों चार्जेबल है, ये सर्विस चार्जेबल है। इसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, इसका किसी भी तरह का बर्डन आपके ऊपर या भार आपके ऊपर नहीं पड़ता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस मैं लेती हूँ, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ,
प्लेस ऑफ बर्थ भेजना ज़रूरी होता है, दिन का जन्म है या रात का जन्म है ये भी मेंशन ज़रूर करें। ये आप बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपकी कुंडली नहीं है मतलब टाइम नहीं है इन केस, तो आप अपने पाम प्रिंट को भेज सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के भी ज्ञाता हूँ मैं और ज़बरदस्त मेरे को ज्ञान है, तो अपनी हस्तरेखा की आप रीडिंग करवाइए। इसके अलावा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पाम प्रिंट, दोनों के पाम प्रिंट आपको भेजने पड़ते हैं। वर्तमान समय में वास्तु दोष बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है और इसका निवारण करना ज़रूरी होता है। क्या जगह क्या बनना चाहिए कई लोगों को नहीं पता होता, पता होता भी है तो क्या जगह क्या रखना चाहिए, गलत जगह गलत चीज़ें रखी जाती हैं तो दोष निर्मित होता है और इसका खामियाजाना आपको भुगतना पड़ता है। तो चीज़ों को बैलेंस करिए, किस चीज़ की काट हो सकती है, किस चीज़ का निवारण हो सकता है ये हम जानते हैं। तो ये सर्विस भी चार्जे वाले मित्रों, वास्तु दोष मिटाने के लिए अपने घर का नक्शा भेजिए और पाम प्रिंट भेजिए तो आपको सफलता मिलेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली, आपका ज्ञानवर्धन हुआ तो मेरा सौभाग्य है। आप ऐसे पनपते रहें, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है।